यूपीएससी का एक विशाल बड़े स्तर का सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। और हमारे साथ हमेशा एक ही काम होता है, हम हमेशा एक ही बात सुनते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन कोई ऐसे ये नहीं बताता कि पढ़ें कैसे। तो आज के सेशन में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पढ़ें कैसे, है ना। सिलेबस तो बहुत बड़ा है और इतने बड़े सिलेबस को आप कैसे पढ़ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ें कैसे, ये यदि आप समझ जाएं तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस बहुत आसानी से आप लांघ जाओगे। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत इजली और बहुत फास्टली। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में जो भूलने की प्रवृत्ति है, ये भूलना एक वरदान है और भूलना आवश्यक है। और ये दिमाग में कोई भी चीज़ भूलती नहीं है, दिमाग उसे स्टोर करके रखता है लेकिन आपको बताता नहीं है। एक मेमोरी उसने ऐसी बना रखी है जिस मेमोरी में आपको पता ना चले और पूरा डेटा स्टोर कर दे। दिमाग ने ऐसा पद्धति बना रखी है ताकि आप अच्छे से आपका दिमाग संचालित हो सके। ये दिमाग की अपनी या ईश्वर के द्वारा बनाई गई आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके कारण से आप बिल्कुल संतुलित तरीके से बैठे हो। नहीं, आपकी सबकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएँ हैं, यदि सब अचानक से याद आ जाएँ तो अभी आप लड़ पड़ोगे, झगड़ जाओगे, मारपीट करने लग जाओगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाओगे। भूलने से ही हमारी सारी चीज़ें कंटिन्यूअस रहती हैं, रिलेशन बने हुए हैं, आप शांत हो, सब कुछ हो। तो आज मैं आपको पढ़ने की, तो पहले तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है, अपने दिमाग में ये बैठा लेना है कि भूलना एकमात्र इल्यूजन है, भ्रम है और कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं भूलते अपनी ज़िंदगी में, इसका मैं प्रैक्टिकल नॉलेज करके दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। पहला काम आपको, ये आपके पास बुक चाहिए, मुझे सबके पास है बुक, सबके पास जिसके जो उठाइए अपनी अपनी बुक, सबके पास है ना, किसी पास ना हो तो क्यों नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ध्यान नहीं रहती, किसी के पास हो तो एक दे दीजिए आपस में, किसी के पास हो एक अतिरिक्त बुक हो तो ले लीजिए। सबके पास अब बुक होनी चाहिए बस, ताकि मैं जो प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ उस प्रैक्टिस में करना क्या है। देखो, प्रैक्टिस बड़ी आसान है, प्रैक्टिस में आपको एक रूल बनाना है, इसको बोलते हैं रीडिंग स्किल। एक रूल बनाना है, आज से रूल को दिमाग में बैठा लो, कुछ दिन दिक्कत आएगी लेकिन यदि ये स्किल आप सीख गए तो मज़ा आ जाएगी, बहुत मज़ा आ जाएगी। दिमाग में आपको सबसे पहली चीज़ की कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो फीड हो रही है, ये दिमाग में बैठ रहा है, ये आपको बैठा लेना कि जो भी मैं पढ़ता हूँ वो मुझे याद हो जाता है, ये दिमाग को मैसेज देते रहना है। दरअसल क्या होता है ना, यदि एक झूठ को 100 बार यदि बोला जाए तो वो बात सत्य हो जाती है, एक प्रोपेगेंडा लगातार फैलाया जाए तो वो बार बार सत्य हो जाती है। आप अपने ब्रेन को इतनी बार बोल चुके हो कि जो भी तुम पढ़ते हो भूल जाता है, जो भी तुम पढ़ते हो भूल जाता है, या फिर आपके घर वालों ने, आपके टीचर्स ने, आपके आसपास के लोगों ने, तो दिमाग को बैठ गई है ये बात कि आप जो भी कहते हो वो भूल जाता है, उसके दिमाग में प्रोपेगेंडा भर गया है, दुष्प्रचार भर गया है। अब वो करे क्या, अब उस दुष्प्रचार को आपको तोड़ना है। अब उम्र आपकी चेंज हो चुकी है, आप समझदार बन चुके हैं, आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, कम समय में पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, दूसरी बात और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बिना पढ़ के जाने से अच्छा है पढ़ के जाएं, बिना पढ़े पहुँचने से अच्छा है एग्जाम हॉल पे कि पढ़ के जाना चाहिए। आप क्या करते हो, पूरे सिलेबस में सिर्फ 50% से कम सिलेबस ही पढ़ के जाते हो, पूरे सिलेबस में। कोई भी आप केस स्टडी उठा के देख लेना, उसे पूछना यार पूरा कंप्लीट किया था क्या कभी, वो बताएगा नहीं, कंप्लीट ही नहीं हो पाया क्योंकि उसका पढ़ने का तरीका ही ऐसा है। तो मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ कि बिना पढ़े, आधा सिलेबस जो आप बिना पढ़े जाके एग्जाम हॉल पे बैठते हो उससे अच्छा आप पढ़ के जाओ। तो इसलिए पढ़ें कैसे, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसको प्रैक्टिस में आपको लानी होगी। रीडिंग स्किल के कुछ रूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ समय के लिए मुझे एक बुक दीजिए, कोई भी एक बुक दे दो, ये है मेरे पास, एक NCERT बुक है मेरे पास, ठीक है। ये बुक है, कोई भी बुक है, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी बुक, सबके साथ आप कर सकते हो। अच्छे रीडर की निशानी क्या होती है, अच्छा रीडर 3-4 काम करता है। पहला काम अच्छा रीडर क्या करता है, कभी आप लाइब्रेरी वगैरह में जाइएगा, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, उनसे पूछो बाबूजी आप क्यों पढ़ रहे हैं, अब तो आपकी उम्र ढल गई, आप 75-80 साल के हो गए, कल के दिन निपट जाओगे तो ये पढ़ाई किसके लिए। लेकिन वो पढ़ रहे होते हैं और बहुत गौर से पढ़ते हैं, बड़े गंभीरता से न्यूज़पेपर देखे घंटों पढ़ेंगे वो, और ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे बुक लिए रहेंगे, बस ले लेके बस आराम से चल रहा होता है उनका, कुछ नहीं करते वो, बस ऐसे लिए रहेंगे और इतनी फास्टली पढ़ते हैं। उनसे कभी पूछे एक घंटे में कितने चैप्टर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा हो चुका होता है और चीज़ें उन्हें याद रहती हैं।
आप लोग विवेकानंद का नाम सुने हैं कि विवेकानंद जो भी पढ़ते थे उन्हें बहुत याद है। उन्होंने एक रीडिंग स्किल डेवलप किया था और वही रीडिंग स्किल इतना अच्छा था कि लाइब्रेरी से आज बुक लेके जाते थे, कल वापस कर देते थे और कल में भी उसको चीजें याद रहती थी। पहली चीज उन्होंने प्रैक्टिस की कि ब्रेन को सारी चीजें याद रहती हैं, ये बहुत बड़े स्तर की प्रैक्टिस की। कभी उन्होंने अपने ब्रेन को बताया ही नहीं, उनका मैंने एक पूरा वृत्तांत पढ़ा था विवेकानंद का, जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक मैंने कभी अपने ब्रेन को कहा ही नहीं कि तू कमजोर है और मैं इसको कहना अपराध समझता था। मैंने हमेशा उससे कहा कि तेरी मेमोरी सबसे सुपर फास्ट है और इसीलिए मुझे हमेशा मेरे ब्रेन ने धोखा नहीं दिया, मैंने जो भी पढ़ा मुझे बहुत याद रहा। तो आपको अपने दिमाग के साथ अन्याय नहीं करना है, अन्याय तब करेंगे जब आप अपने दिमाग को ये मैसेज देना शुरू करेंगे। कोशिश करिए आज तक जो आपने किया अब नहीं करेंगे। आप ये मान के चलिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, वो आपको 100% याद रहने वाली हैं। ठीक, ये बात दिमाग में बैठा लो। पहली बात ये, अब पढ़ना कैसे है, पढ़ने का एक रूल बता रहा हूँ। पहला रूल ये है, जब भी अभी आपको पढ़ना, चूंकि आप अभी पहले स्टेज में हैं मेरे हिसाब से, तो पहले स्टेज में पढ़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक हाथ में उंगली का प्रयोग करिए, पेन ले लीजिए, जिस पेन से आपको इसमें साथ साथ कहीं कहीं पर वो करना पड़ेगा, अंडरलाइन कहीं मिल जाता है, कुछ मिल जाता है। पहला रूल ये होगा कि आपको कंटिन्यूअस, यहाँ से पेन आपने रखा तो इसको कंटिन्यूअस पढ़ना चालू कर दिया। अब मैं उंगली रखने के इसलिए बात करूं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है, बिना पेन रखे नहीं पढ़ेंगे आप शुरुआत में, क्योंकि आपकी ये पहला प्रारंभिक चरण में, आप आगे चल के चरण चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, आपको यहां से शुरू करना है और इसको कंटिन्यूअस चलते रहना है एक स्पीड पे, एक मानक स्पीड पे। स्पीड इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और स्पीड इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल होता क्या है, ब्रेन आपका यदि आप कम स्पीड में पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी थक जाएगा और इतना थक जाएगा कि वो फिर कहीं ना कहीं पे आपको परेशान कर देगा, आपको उसको ये लगने लग जाएगा कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, समझ रहे हैं, और फिर फाइनली थकने के बाद उसको लगेगा छोड़ो यार कुछ और कर लेते हैं। ब्रेन बहुत फास्ट है, सुपर फास्ट है, ये देखते हो सेकेंडों में कहीं चला जाता है, इसकी इतनी तेज गति है, समझ रहे हैं। तो आपको इसी गति से इसको काम करवाना है, जितनी गति से काम कराएंगे उतना अच्छा वर्क करेगा ये, जितना धीमा काम कराएंगे उतना ज्यादा रुक के काम करेगा। तो आपको पहली रीडिंग स्किल का पहला वो कि जो भी चीज शुरू करेंगे उसको पीछे नहीं लौटेंगे, एक बार यदि आगे बढ़ गए तो फिर पीछे नहीं लड़ेंगे। कोई 1,00,000 रुपए भी दे कि भाई पीछे वाली लाइन पढ़ लो तो नहीं पढ़ेंगे, अब 1,00,000 में तो आप चले ही जाओगे, बिक जाओगे, रुक जाओ पीछे वाली पढ़ के, अभी मैं पीछे ही चलता हूँ, शुरू से नहीं पढ़ना है, आप पूरी किताब को शुरू करता हूँ, थोड़ा रकम बढ़ाओ। तो आप ऐसा नहीं करना, ये चीज बैठा लो रीडिंग स्किल में कि मैं एक बार यदि कोई चीज पढ़ लिया, मैं अपने ब्रेन को, आपके ब्रेन को मैसेज है कि आपको जो भी चीज पढ़ रहा हो याद हो रही है, पहली चीज ये मैं गारंटेड कर रहा हूं। 15 दिन करो मेरे साथ, 15 दिन ये काम करके दिखाओ आप रीडिंग स्किल में कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल एक मानक स्पीड से, एक मानक स्पीड है सबकी, किसी की ज्यादा हो सकती है किसी की कम हो सकती है, अभी स्पीड में चेक करूंगा इसी टाइम पे, मानक स्पीड से जिससे आपके दिमाग को बातें समझ में आए उससे शुरू करना है और अंत तक चलते चले जाना है। ठीक, लगातार बस रुकना नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस। जहां पे आपको लगता है कोई चीज आपको पॉइंट करना चाहिए तो वहां पे पॉइंट कर सकते हो, वो पेन से हल्का सा अंडरलाइन कर दिया, आगे बढ़ गए। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? एक मानक स्पीड से पढ़ना शुरू किया तो फिर पीछे नहीं लौटेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे दिमाग 500 बार कहे जैसे कहे भूल रहा, अरे नहीं सब याद है मुझे, सब याद है। मैं आपको एक बात बताऊं, यही पेज है, मैं इस पेज को अभी, एक व्यक्ति है जो एक बार पढ़ेगा, एक व्यक्ति है जो 20 बार पढ़ेगा, दोनों से पूछूंगा दोनों का बराबर रिजल्ट आएगा। 20 बार वाला भी बार वही करेगा क्योंकि उसके दिमाग में 20 बार वाला हो सकता है गलत परफॉर्मेंस दे, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा है कि वो भूल रहा है, और जो एक बार पढ़ के जा रहा है वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है क्योंकि उसने अपने दिमाग को मैसेज दे रखा कि हाँ मुझे सब याद है। इसलिए बार बार दोहराने वाला मुद्दा नहीं है, बात है कि आपने साइकोलॉजी क्या बना रखी है ब्रेन की, उसको चेंज करना है हमको। आप साइकोलॉजी पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजी पे काम कीजिए अपने। अब आपको पहला रूल तो ये, रीडिंग स्किल का मेरा पहला रूल क्या है कि जो भी पढ़ेंगे उसको वापस नहीं लौटेंगे। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, और एक निश्चित अनुपात में, निश्चित रेशियो पे आप पढ़ेंगे, एक निश्चित मतलब स्पीड आपकी एक तय होनी चाहिए और पेन रख के पढ़ेंगे अभी शुरुआत में, ठीक है ना। और ऐसा नहीं होगा कि बस रुक गए सोचने, नहीं नहीं, बस पढ़ना है आपको, रीडिंग करना है। मैं लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ।
रीडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, फिर मैं गारंटी लेता हूँ आपको याद कैसे नहीं रहता है। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग अपनी अपनी कॉपियाँ निकाल लीजिए। पहले पेज से मैं जैसे यहाँ से स्टार्ट बोलूँ हम ये पढ़ेंगे, फिर मैं बाद में आप लोगों से सबसे शुरू करूँगा। कोई भी पहला चैप्टर खोल लो, ठीक है, पहला चैप्टर पहली लाइन पे पहुँचो और जब मैं स्टार्ट बोलूँ तो सभी लोग स्टार्ट करेंगे। मैं टाइमर यहाँ पे लगा के रखता हूँ और आपका 5 मिनट बाद मैं स्टॉप बोलूँगा। ठीक है, शांत रहिएगा, अपना अपना पेन सबके हाथ में होना चाहिए। सब ने खोल लिया पेज? ठीक है, सब ने खोल लिया कि अभी भी भटक रहे हैं? ठीक है, चलो स्टार्ट। स्टॉप वहीं पर टिक मार दीजिए, जहाँ जहाँ पे आपने छोड़ा है वहीं पे टिक मारिए, जहाँ पे आपने अभी पढ़ के जहाँ पे हुआ वहाँ पे टिक मार दीजिए। सभी लोग टिक कर दें वहाँ पे। आपके साथ क्या दिक्कत थी, पेन नहीं चला रही थी आप? रूल नंबर, रूल पे तोड़ोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, काम नहीं करेगा ये। पहला रूल था कोई पीछे तो नहीं लौटा, ठीक है, सब आगे बढ़े सीधा। ठीक है, सब आगे बढ़े। चलो अब काउंट करो कितनी कितनी लाइनें आप लोगों ने पढ़ी, ये काउंट करिए एक एक सारी लाइनें किसके पास कितनी है। 160 और कोई इससे ज़्यादा? 107, 107। झूठ मत बोलिएगा, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी झूठ बोला तो फिर चलेगा नहीं, अभी मैं पूछूंगा। 107 और हाँ 43, क्या बात कर रहे हैं, बहुत नीचे गया ये तो। और 92 और 105, 120, सही है ना, गलत नहीं बोल रहे हैं ना? अभी देखिए क्योंकि मैं अभी चेक करूंगा इसे, अभी एक मिनट मुझे चेक करने में टाइम नहीं लगेगा। 126, वेरी गुड, 88, 117। आज ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद आपको पता चलेगा आप आज कहाँ हो, कौन कौन है। 140, आप खड़े हो जाओ, आप मुझे बताओ, खड़े हो जाओ, बस बुक को बंद करो, बुक को बंद करो। क्या पढ़ा सर? भूगोल का परिचय। भूगोल का परिचय, टॉपिक क्या था उसमें? उसमें टॉपिक था भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाओं में क्या क्या देखा उसमें? उसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और उसके बाद उसका डिस्कशन। कौन सी क्लास की थी बुक? 11th क्लास। दिखाओ, बुक लाओ, इधर लाओ, आगे बढ़ा दो, मेरे पास पहुँचा दो। यदि इतना भी याद हो पा रहा है ना तो समझ लो कितनी बड़ी चीज है। यदि इतना करने के बाद इतना भी याद है आपको तो देखो कितना बड़ा, कितना फायदे का ये आगे जाके जब प्रैक्टिस में चेंज होगी। अब आपसे पूछूंगा मैं कितना क्या याद है ये, क्योंकि सबसे हाई स्कोर गया है। ठीक है, तो हाई स्कोर के साथ बनता है कि उससे कुछ पूछा जाए। अच्छा, किन का है? 195 जा सकता है, देखो मैं नहीं कह रहा, मैं अपना बताऊंगा 5 मिनट में मैं कितना जाता। 195 गलत नहीं, थोड़ा बुक दिखाइए, बुक कैसी है, ऐसा तो नहीं कि उसमें एक ही पे। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है। अच्छा ठीक ठीक है, सही है, 195, ठीक है। क्या बता रहे थे, स्थल मंडल, जल मंडल, ये सब क्या बता रहे थे आप? आगे पढ़ाए, बिल्कुल आगे इन्होंने, इधर पढ़ाए इन्होंने, यहाँ से पढ़ाया आपने, यहाँ से शुरू किया है। अच्छा, इसमें आप बता रहे हैं कि 140 है? सर इससे पहले से पढ़ा है। इसके यहाँ से पढ़ाया आपने? अच्छा, जलवायु विज्ञान, ये वाला टॉपिक है।
चलिए ठीक है, 195 वाले आपने क्या पढ़ा, टॉपिक क्या था आपका, देख के बता रहे हैं। कौन सी बुक है? ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में, आधुनिक सिद्धांत और प्रारंभिक सूत्र सिद्धांत उसके क्या है। अच्छा ठीक, इससे एक बात सीखो, अब आपको ऐसे ही पढ़ना है जितनी एनसीईआरटी पढ़ना है, ये रूल बना लो। अब इसमें जहाँ जहाँ पे लगे बीच बीच में अंडरलाइन करो। इसमें आपको पेन जरूर होना चाहिए आपके हाथ में, यदि कोई बिना पेन के पढ़ेगा तो वो गड़बड़ कर जाएगा। क्योंकि देखो इसका रीज़न है, मान लीजिए अभी आपकी आंखों के सामने से अचानक से कोई भी चीज़ निकलती है, कोई पंछी निकल जाए, मान लो एयर जेट निकल जाए, आँख खड़े हैं यहीं से बिल्कुल प्लेन निकल गया, तो आँखें क्या होंगी, अपने आप तुरंत ऐसे होंगी, उसको देखेंगे, जो भी गतिविधि होगी आपके सामने वो तुरंत आपके आंखों को, आंखें ऑटोमेटिक घूमेंगी। तो पेन क्या करेगा, आपके आंखों को ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ले जाएगा, जहां जहां पेन जाता जाएगा आंखें जाती जाएंगी, आपको आंखों को मोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए शुरुआती प्रैक्टिस आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपने पेन को हाथ में लेकर पढ़े, बिना पेन लेके कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वहां पे जो भी चीज आपको लगता है अंडरलाइन भी करनी, पहला रूल ये है। दूसरा रूल, आवाज करते हुए नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि बोलते हुए पढ़ते हैं। मैं आपको आज एक रूल बताता हूँ। देखो दो तरीके की स्पीड है, एक है ध्वनि की स्पीड साउंड की और दूसरी है प्रकाश की। किसकी ज़्यादा होती है, लाइट की, लाइट की ज़्यादा होती है कि साउंड की ज़्यादा होती है, प्रकाश की ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती है। जब आप बोलते हुए पढ़ते हो तो आपके कानों में आपका साउंड जाता है और वो ब्रेन में प्रोसेस होता है, जिसके कारण से स्पीड काफ़ी कम होती है और ब्रेन डल हो जाता है। जो बोलते हुए पढ़ेगा आधे घंटे बाद थक जाएगा, लिख ले वो लंबा नहीं पढ़ पाएगा। तो हमेशा सिर्फ आंखों से पढ़िए, लिपसिंग कर सकते हैं आप नॉर्मल, लेकिन वो आवाज़ कानों तक न जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लिपसिंग भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, यदि आपको अच्छा पढ़ना है, लंबा पढ़ना है तो। तो आपको अगले 15 दिन तक ये पूरी हैबिट डालनी है, और जितनी भी बुक्स आपको एनसीईआरटी पढ़ना है ये आप इसी तरीके से पढ़ेंगे, एक बार में एक भी बार पीछे नहीं लौटेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, इधर का उधर हो जाए, चाहे उससे 500 नंबर का क्वेश्चन, चाहे आईएससी ना बन जाए आप उसका पीछे पलटने के बाद, लेकिन नहीं पढ़ेंगे आप, पीछे नहीं जाएंगे। इसके बाद 15 दिन बाद आप ऐसे ही कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि हर चीज आपको याद होने चालू हो जाएगी। 15 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा, अरे यार मैं तो कोई भी चीज़ पहली बार में पढ़ रहा हूँ, मुझे याद हो रही है, और डेली सिलेबस आपका भागता चला जा रहा है, दौड़ता चला जा रहा है, पूरा सिलेबस धड़ाधड़ भाग रहा है, एक दिन में आप देख रहे हो आधी किताब खत्म। ठीक है, स्पीड अभी कम है आप लोगों की, बहुत कम है, जिनकी 43 है वो तो बहुत ही कम है, 195 भी ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी है। ये स्पीड कितनी जाएगी पता है, 285 तक जाती है। हमारे क्लास में ही एक बच्ची थी, करिश्मा नाम था उस बच्ची का, और पिछली बार जब मैंने प्रैक्टिस कराई थी तो वो 295 तक गई थी एवरेज स्पीड। मैं भी 300 तक मैं आपको आराम से चला जाऊंगा आपके साथ। अब तो मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इतनी किताबें पढ़ने की प्रैक्टिस है, एक और रीडिंग का बड़ा लेवल होता है, रीडिंग का एक बड़ा लेवल आपको बताता हूँ। जो बड़े बड़े होते हैं लोग, जो मतलब बहुत लंबा रीडिंग का स्किल रखते हैं, वो पढ़ते कैसे, कभी देखा होगा वो लेट जाते हैं, लेट के पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, तो वो करते क्या, ऐसे रखेंगे बुक, और उनकी हमेशा नज़र कहाँ होती है, जैसे ये पूरा सेंटेंस है इसका बीच वाला, ये जो पॉइंट है बीच वाला, आंखों की दृष्टि यहाँ पे होगी, यहाँ पे, और हमेशा आंखें कैसी जाती हैं, ऐसे गई, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर तुरंत नीचे आ गई, तो हमेशा सेंटर वाला वर्ड पकड़ के रखते हैं। आगे चल के आप भी इसी लेवल में पहुंचोगे, सेंटर वाला वर्ड पकड़ोगे और इसी के माध्यम से इतना स्पीड से पढ़ोगे कि आप देखोगे 300-350 बड़ा नॉर्मल होगा, 5 मिनट में लाइनें पढ़ना, इतना स्पीड अच्छी हो जाएगी आपकी। सेंटर वर्ड से ही आपको भागते चले जाओगे, आपको लगा अरे कुछ नहीं है, सब इजिली याद हो रहा है, दिमाग में तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि दिमाग में मैसेज पॉजिटिव है, वेव्स पॉजिटिव है ना, आपको याद हो रही है चीज़ें। देखो एक चीज़ बताऊँ, हर चीज़ का 50-50% होता है, हर चीज़ में 50-50% होता है। यदि आपको लगता है कि आप कोई चीज़ भूल रहे हैं तो चलो 50% आप भूल रहे हैं, लेकिन 50% याद तो कर रहे हैं, तो यदि 50% याद करें तो आप इस याद वाले 50% के साथ क्यों नहीं रह रहे हैं, इसको क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप हमेशा भूलने वाले 50% को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब ये प्रैक्टिस से आपको पढ़ना, कोई भी बुक उठाइए ऐसे ही पढ़िए, फिर देखिए मेरी बात, ये फर्स्ट रीडिंग,
इसी तरीके से सेकंड रीडिंग और ऐसे ही थर्ड रीडिंग, पेन हाथ में होना चाहिए, साथ साथ अंडरलाइन भी करते चले जाओ जो जो अंडरलाइन करना हो, फर्स्ट रीडिंग में पेन का कलर दूसरा, सेकंड रीडिंग में पेन का कलर तीसरा, और थर्ड रीडिंग में पेन का कलर चौथा, तीसरा फिर देखना, तीन रीडिंग कर लो एक बुक की, खत्म बात। सेम जैसे मैंने आपको तरीका बताया, रट ना जाए कोई बात तो बताना मुझे, बस वापस मत लौटना, ये रूल याद कर लो, जो वापस लौटा वो गया, उसने अपने ब्रेन को फिर से मार दिया, जैसे चल रहा था ब्रेन वैसे ही चलेगा, उसका कुछ नहीं बदलने वाला। ये अगले 15 दिन करके देखो, फिर मेरे पास आके रिजल्ट खुद बताओगे कि सर बहुत फ़ायदा हुआ, मेरा तो अब सब चीज़ें याद होने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरे सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं, जो किताबों का ढेर ऐसे लगा था वो किताबों का ढेर रीडिंग वाली बुक्स को इधर बढ़ता जा रहा है, सब इधर अभी ये किताबें, एक तरफ आपकी किताबें रखी जिनको आपने तो छुआ नहीं, पढ़ा तो आधा पढ़ा, 4 पेज पढ़ा, 8 पेज पढ़ा, फिर छोड़ दिया, पूरी किताब कभी नहीं पढ़ी, ऐसे पढ़ो 2-3 दिन में किताब खत्म करके फेंक दो। तो मैं जो टारगेट देने जा रहा हूँ आप लोगों को, NCERT ऐसे ही पढ़नी है, इसी बेस पे मैं आपको टारगेट दूंगा कि भाई आज आपको ये बुक है, इस बुक के 15 पेज 20 पेज 50 पेज 100 पेज ये 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ पढ़ के लाने, समझ रहे हो मेरी बात को? तो रीडिंग का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आप अपने दिमाग को पॉजिटिव वेब देते हुए पढ़ाई करना प्रारंभ कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको याद कैसे नहीं रहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई डाउट हो तो बताए, कोई कि उसे डाउट है? आप अब ऐसा पढ़ना शुरू कर दोगे आज से, कुछ भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुछ दिन करके देखो, कुछ दिन आपको लगेगा कि आप कुछ चीज़ें भूल रहे, चूंकि पुरानी साइकोलॉजी उसको खत्म होने में टाइम लगेगा, नई साइकोलॉजी जब आपके अंदर इंटर होगी ना, यदि कुछ अभी पढ़ोगे 1 घंटे बाद पूछूंगा ना बताओगे आप, 1 दिन बाद पूछूंगा तो मैं बताओगे आप, 4 दिन बाद पूछोगे तो बताओगे आप, क्योंकि आपको हर चीज़ साइकोलॉजी आपकी गंदी है, इस कारण से दिक्कत हो रही है। क्लास में जो लिख रहे हो ना, आपको लगेगा याद होता जा रहा है मेरे साथ साथ, तो अभी इस साइकोलॉजी को अपने ब्रेन में बैठाना है और पढ़ना शुरू करना है। 15 दिन बाद मुझे मिलिए और बताइए कि सर कितना बड़ा काम कर दिया मैंने आप लोगों के लाइफ में, ये आप प्रैक्टिस करिए, हैबिट में बदल दीजिए, यही आपकी आदत बन जानी चाहिए, ठीक है? आप पीछे लौट के नहीं पढ़ेंगे और एक औसत मानक स्पीड से पढ़ेंगे, लिपसिंग करने की कोशिश मत करिए, आंखों से पढ़िए सिर्फ, आवाज़ साउंड मत निकालिए, नहीं तो आपको लंबा पढ़ना, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो आपको आवाज़ नहीं निकालना, जिसके कारण से आपको प्रकाश की चाल से आपका ब्रेन काम करे, ना कि ध्वनि की चाल से, आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग लाइट की स्पीड से होनी चाहिए, ना कि साउंड की स्पीड से। यदि बोलेंगे तो अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये साउंड की स्पीड से जा रहा है आपके दिमाग में, लाइट की स्पीड से दिए मैं डाल सकता आपको, वो होता है इमेजेस दिखाऊं मैं आपको चीज़ों को लेकर के, हर चीज़ ऑडियो विजुअल होता है ना, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, विजुअल में आप अचानक समझते हो चीज़ों को, तो आपको हमेशा ब्रेन की स्पीड को लाइट की स्पीड में रखने का प्रयास करिए पढ़ाई के समय, इससे आपका ब्रेन थकेगा नहीं, बहुत पॉजिटिव फील करेगा। और एक चीज़ और बताऊं, पढ़ने में एक और चीज़ इन्वॉल्व कर लीजिए, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है कि आपने जैसे मान लीजिए आपका 2 घंटे का स्लॉट है, क्लास में भी आप देखते होंगे मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में आप लोगों का एंजॉय कराने लगता हूँ, 2-4 बातें इधर की लेके आता हूँ, ये पोमोडोरो टेक्निक का एक टीचिंग में हिस्सा है, मैं इस टेक्निक को फॉलो करता हूँ अपनी पढ़ाई में भी, आप लोगों को पढ़ाने में भी। होता क्या है कि आधे घंटे बाद, ये वैज्ञानिक रीज़न है, आधे घंटे बाद ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी, पानी की कमी, बहुत सारी चीज़ों की कमी होनी चालू हो जाती है, तो आपका ब्रेन क्या करता है कि, या फिर जो डाटा ब्रेन कलेक्ट करता है वो आधे घंटे के बाद उसको रिस्टोर उस मेमोरी में डालना शुरू कर देता है, उस पूरे आंकड़े को इकट्ठा करके आपकी अवचेतन मस्तिष्क में डालना शुरू करता है आधे घंटे के बाद। तो जब वो ट्रांसफर कर रहा होता है डेटा, फाइल को ट्रांसफर, क्योंकि उसे आगे ध्यान लगा के रखना है, तो कुछ समय के लिए मन को भटकाता है आपके, बिल्कुल तय बात है, साइंस नहीं क्या, कभी देखिएगा नेट में डालिएगा यूट्यूब वगैरह में कि पोमोडोरो टेक्निक है क्या, बहुत बड़े-बड़े रिसर्च हैं इस पे। तो आधे घंटे के बाद आपका ब्रेन जो है आपका डाटा ट्रांसफर करता है, या जो आंकड़े आपने पढ़े उनको संजोने का, उनको याद रखने की कोशिश करता है, तो उस अवधि में आपका ध्यान थोड़ा सा भटकता है, आपको लगता है आपका दिमाग थोड़ा थकान सी महसूस करता है, तो उस अवधि में थोड़ा सा 10-5, वो बहुत लंबा टाइम नहीं लेता, 5-10 मिनट के लिए रिलैक्स लेना चाहिए, 5-10 मिनट के लिए इधर उधर की चीज़ें करनी चाहिए जो पढ़ाई की गतिविधि नहीं है, ठीक है? तो आप अपनी पढ़ाई में जब आप पढ़ रहे होते हो बंद एकांत कमरे में, आधे घंटे पढ़िए, 45 मिनट अपने ब्रेन से पूछ दे, आप जब पढ़ेंगे पढ़ते पढ़ते कितने मिनट बाद आपको थकान आती है आप एक बार ऑब्जर्व करिए, लगातार 1-2 दिन 4 दिन पढ़िए कि पढ़ने के बाद कितने देर बाद दिमाग थोड़ा सा इधर उधर भटकना शुरू करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्रेन का टाइमिंग क्या है, आपके ब्रेन के एक प्रॉपर टाइमिंग है जिसके बाद वो भटकता है, वो एक साइकिल बना हुआ है,
तो अपने ब्रेन को एक बार ऑब्जर्व करके देखना कि भटकेगा कितने देर बाद। तो जब ये टाइमिंग आपको पता चल जाएगी तो उस टाइमिंग के बाद ऑटोमेटिक पढ़ाई को छोड़ दीजिए, 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और उस अवधि में 3-4 काम कर लीजिए। पहला काम क्या कर सकते हैं उस अवधि में, जैसे क्लास है तो क्लास में तो मेरा काम है, टीचर खड़ा है, वो पढ़ा रहा है, उसका काम होता है कि ये, इसी को बोलते हैं एक अच्छी टीचिंग स्किल आपका, ताकि बच्चों के दिमाग को आप पकड़ के रखें, उनके दिमाग को इधर उधर डिस्टर्ब ना होने दें। मैं लगातार पढ़ाता जाऊँ, मैं आपको मशीन थोड़ो ना आप बैठे हो, आपका ब्रेन है, तो टीचर का काम होता है कि बच्चों के दिमाग को पकड़ के रखे। वो टेक्निक तो टीचर है वो अपना प्रयोग करेगा, लेकिन आपका काम क्या है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपका काम है कि आप उस अवधि में जब आपका दिमाग थकता है, यानी वो अवधि आपको पता चल जाएगी जब आप डेली ऑब्जर्व करोगे कि कितनी देर बाद ध्यान भटकता है, उस अवधि में 3-4 काम करो। पहला काम कर सकते हो, सोना नहीं है उस अवधि में, पहला काम कि 10 मिनट के लिए थोड़ा सा सो लेते हैं, काम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ब्रेन में डोपामाइन बढ़ाना है हमें। डोपामाइन एक हार्मोन्स होता है जो आपको खुशी प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ नहीं करो, पुशअप कर लो, सिटअप कर लो, सीढ़ियाँ उतर चढ़ लो, या फिर आओ ठंडा ग्लास पानी पी लो, पानी पीने के अलावा डीप ब्रीदिंग कर लो, थोड़ा सा कुछ खा लो फल फ्रूट में। देखो खाने का टाइम अलग है, लंच का टाइम अलग है, डिनर का टाइम अलग है, अरे वो उसी से हम लंच निपटाने लग गए, वो पढ़ाई का टाइम था। पढ़ाई के टाइम में आप अपने ब्रेन को अच्छे से वर्क कराने के लिए कुछ बेहतर करने चाहते हो। कुछ लोग तो चाय का सहारा लेते हैं, कॉफ़ी पीने लगते हैं, उससे क्या होता है, उत्तेजक पदार्थ होते हैं वो आपके ब्रेन को एक्टिव कर देते हैं फिर से, वो नहीं लेना चाहिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। चाय कॉफ़ी आपको आपके ब्रेन को और निष्क्रिय बना देती है, आप अभ्यस्त हो जाएंगे, बिना चाय कॉफ़ी के फिर आपका मन नहीं लगेगा, उस सबसे बहुत बेहतर बेनिफिट नहीं है। बेहतर है कि आप अपने बॉडी के ऊपर काम करें। अब चला पुश पे मार रहे हैं तो आप 25-30 मार गए, ऐसा भी नहीं करना, 2-3 बहुत हैं, बस 2-3 मार लो, इनफ हो गया। वो जिम में मारना आप 25-30-35 जितना मारना, वो अलग मुद्दा है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ पढ़ाई का एक हिस्सा क्या, कुछ जोक सुन लो, पढ़ाई के इतर का काम करना है बस, पढ़ाई के बाहर का काम जिसमें ध्यान बहुत ज़्यादा समय तक के लिए ना भटके, ठीक है। कुछ भी सुन लो, जैसे कि वो रेडियो FM में बहुआ आता है ना, रौनक, बहुआ को सुन लो, वो आनंद दे देगा आपको थोड़ा सा। कुछ भी सुन लो जो आपको मन लगता है, सिंगिंग का बहुत शौक है, म्यूजिक सुन लो, कुछ बजाना चाहे इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहे तो थोड़ी देर बैठ के बजा लो 5-10 मिनट, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। कुछ लोग हैं कि लेके बाहर जाके बस फूकना चालू कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें, ये तरीके होते हैं, थक गया दिमाग, कहते रुक जाओ यार फूंक के आते हैं। कभी आप देखोगे लोग तंबाकू खाते हैं, वो खड़े खड़े तंबाकू खाएंगे, जो मजदूर आदमी होते हैं वो सभी, ये सब काम स्टूडेंट के लिए नहीं है। आपका ब्रेन एक संपत्ति है, इस संपत्ति को बहुत स्वस्थ बना के रखना है। भोजन बहुत सेलेक्टिव हो, खान पान बहुत तेल वेल वाली चीज़ें खत्म कर दो अपनी लाइफ से, नहीं खाओ तेल ये चीज़, जो भी ऑयली हो छोड़ दो, या ऑयली फूड नहीं खाना मुझे, बॉयल फूड खाओ जितना भी हो, मिनिमम तेल, मसाला बहुत कम हो, ऐसी चीज़ें खाओ, फल फ्रूट भर दो अपने घर, फल फ्रूट रखो ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ें यदि आप फॉलो करोगे ना, तो देखो दिमाग कितना अच्छा काम करता हो, कितनी जल्दी, कितना बढ़िया आप जो भी पढ़ते हो आपको याद होता है। दरअसल आपने कचरा भर रखा है दिमाग में, और आपको लगता है कि नहीं सब बढ़िया है, सब बेहतर है, काम करना पड़ेगा आपको। तो पोमोडोरो टेक्निक होती है कि पढ़ाई, मान लीजिए 30 मिनट आपका ब्रेन काम करता है, तो 5 मिनट का रेस्ट, 10 मिनट का रेस्ट, फिर 30 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर 30 मिनट पढ़ाई, आप लंबा पढ़ जाओगे, एक दिन में 18-18 घंटे बाद थकोगे नहीं, क्यों, क्योंकि आप प्रॉपर वर्क करके और ज़्यादा याद कर पाओगे। पढ़ने का तरीका ये, रीडिंग स्किल जो मैंने आपको बताया, और बीच बीच में ब्रेक लेने का तरीका भी बना के रखिए। 45 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 45 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम पे, समझ रहे हैं। बस ये दो चीज़ें अपना लो, फिर देखो मुझे बताना कि सर कितना बढ़िया चल रहा है, बढ़िया से सब याद हो रहा है, सब कुछ पढ़ रहे हैं, कोर्स खत्म हो रहे हैं, किताबें खत्म होती जा रही हैं, किताबें पूरी पढ़ रहे हैं पहली बार, आज तक कभी किताबें पूरी पढ़ी नहीं कोई भी किताब को, फिर बताना आप मुझे, ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है। हाँ तो ये इसको फॉलो करके देखो, फिर मुझे बताना। यदि आप ज़्यादा स्पीड में पढ़ोगे, अरे वो देखते हो ना जो मोटरसाइकिल वाले स्टंट करते हैं, वो 100 की स्पीड में ना चलाए, उसे कहो भाई 20 की चला के दिखाओ, तो 2 मिनट में गिर जाएगा, खुद भी गिरेगा खुद भी। स्पीड बहुत अच्छी चीज़ है, स्पीड किसी भी चीज़ को एकाग्र बना के रखती है, ठीक है। तो आप स्पीड से करोगे, क्योंकि ब्रेन की स्पीड वो है। दरअसल एक सिद्धांत है, मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूँ, ब्रेन का सिद्धांत है। ब्रेन के पास थ्योरी ये है कि उसे भटकना ही है, ईश्वर ने उसे बनाया ही भटकने के लिए है। आप क्या चाहते हो?
आप उस सिद्धांत को तोड़ना है, वो रूल है, वो नियम है, प्रकृति का एक लॉ है, उठ के भटकने का नियम है, आप नियम तोड़ना चाहते हो। गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई चीज यदि ऊपर से फेंकी जाए तो नीचे ही जाएगी, वैसे ही दिमाग का नियम है को भटके गई, आप क्या चाहते हो कि कोई चीज नीचे फेंको ऊपर जाए, तो आप नियम तोड़ना चाहते हो गुरुत्वाकर्षण का, तो आप चाह रहे हो दिमाग ना भटके। कैसे ना भटके भाई, उसको तो उसका नेचर है, वो इसी प्रकृति में बनाया गया है, आप उसके नेचर के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो तो उसको भगाओ ना। यदि उसका उस पावर का यूज क्यों नहीं कर रहे हो, उसके उसको एक टॉपिक दो कि इस टॉपिक में भाग, पकड़ा दो जलवायु विज्ञान की भाग भाई, मैं भी पढ़ रहा हूँ तुम भी भाग, उसको कोई टॉपिक पकड़ा दो, 1857 की क्रांति पकड़ा दिया, भागो भाई कहाँ तक भाग सकते हो, ठीक है। अब वो टॉपिक है आपके पास, भगाए चलो चलो, जितना और तेज भागो और तेज भागेगा, उसका मन उसको वो खुश हो जाएगा आपसे, क्या मालिक मिला है मुझे, है ना, पूरे सिद्धांत का फायदा उठा रहा है। तो आप ऐसे यूज करोगे ब्रेन का तो फायदा होगा। आप क्या चाहते हो, ये भटके ना, ये उधर उधर ना जाए, ये कहाँ जा रहा है, ये उसको भाई आपने कुछ बताया नहीं तो जाएगा कहाँ, वो कहीं भी जाएगा, उसको आपको निर्देशित डायरेक्ट करना पड़ेगा ना कि कहाँ जाना है बेटा तुमको, उसको कुछ बता सकता रहे नहीं हो, मर्जी से जबरदस्ती कहीं और ले जा रहे हो, उसका मन कहीं और लगा है, ठीक है। इसीलिए कहते हो पहले ध्यान हटाओ फिर ध्यान लगाओ, तब जाके आपका ब्रेन आपके नियंत्रण में आ जाएगा एक मिनट में। मैं सुबह सुबह इतना एक्साइटेड होता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए कि लगता है कितनी जल्दी पहुँचूँ, कितनी जल्दी क्लास पहुँचूँ, कितनी जल्दी क्लास पहुँचूँ। ये सिर्फ होता है क्योंकि ब्रेन को मैंने एक डायरेक्शन दे रखी है, आज जाना है क्लास में, बहुत अच्छा पढ़ा के आना है, मज़ा आ जाए आज पढ़ा के जाने के बाद। तो वो क्या होता है, ब्रेन एक्साइटेड होता है, हाँ क्लास चलना है, हाँ क्लास चलना है, वो चिल्लाता रहता मुझे क्लास चलना है। छोटे क्लास में क्या होता था, बचपन में मैंने इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से सीखा, बचपन में क्या होता था, क्लास जाना एक बड़ी कठिन चीज़ मानते थे हम लोग, और स्कूल कभी रेगुलर नहीं जाते थे, 4 दिन बाद मम्मी को पेट दर्द सबसे ज़्यादा होता था उस दौरान, बुखार तो पकड़ लिया जाता था तुरंत, हाथ वाथ पकड़ा देखा गर्म नहीं है शरीर, पेट दर्द नहीं पकड़ सकता कोई भी, दिमाग का दर्द कोई नहीं पकड़ सकता, डॉक्टर भी नहीं पकड़ सकता, डॉक्टर चाहे जितना साथी रहो, पेट का दर्द डॉक्टर बता देगा कि इसको हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहेगा बेटा कुछ है तो नहीं, बोले कुछ खाए तो कुछ ना कुछ, तो हम लोग ये बहाने ढूंढते थे। तो ब्रेन को चूंकि हमने स्कूल को एक ऐसा भयावह चीज़ बना दी थी कि ब्रेन हमेशा उस चीज़ से भागता था, आपको चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाना है। आप जैसे इंग्लिश से भागते हो, किसी भी चीज़ से, मैथ से भागते रहे हो, फिजिक केमिस्ट्री से भागते रहे हो, जिस चीज़ से भागते रहो वही चीज़ आपको अरोचक लग गई, आज इतिहास से भागना चालू करोगे कब तक भागते रहोगे। आपको ब्रेन में पावर अपनी ऐसी बनानी होगी कि जो भी मिले उसको आपको बेहतर बना दे, इसलिए उसको कहो इस डायरेक्शन में भागना है बेटा, उसे जब डायरेक्शन दे दोगे फिर वो एक्साइटेड होके भागेगा कि चलो मैं भाग के दिखाता हूँ कितना भागूंगा। तो ब्रेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दो, निर्देशक बन जाओ उसके, बिना डायरेक्शन के वो कहीं भी भागेगा, आपसे पूछ के थोड़ो ना भागेगा, वो तो उसका सिद्धांत है, उसको भागना है, जिधर पा जाएगा उधर भागेगा, समझ रहे हो। जैसे आप मुझे कोई बात छोटी सी कह दोगे ना तो बस दिमाग उधर ही भागने लग जाएगा, फिर मुझे उसे डायरेक्ट करने पड़ेगा, नहीं बेटा अभी 1 घंटे इधर भाग लेते फिर उधर चलेंगे, ऐसा नहीं कि उसको कहो कि 24 घंटे एक ही दिशा में भागना, नहीं भाई उसको एक टाइम दो कि आधे घंटे टॉपिक में भागने के बाद तुम्हारे मन से पूछेंगे क्या चलना है। तो यही इसी को पोमोडोरो टेक्निक, 30 मिनट पढ़ो फिर दिमाग को भटकाओ, फिर 30 मिनट पढ़ो फिर दिमाग को दूसरी दिशा में कि अच्छा तुम्हें म्यूजिक सुनना था ना, चलो अब सुनाता हूँ, तुम उस समय म्यूजिक की तरफ भाग रहे थे, अरे अरे लो 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 5 मिनट म्यूजिक सुन लो, तो वो आपको उसको वो आनंद भी देते जाना, अच्छा चलो 5 मिनट कर लिया अब चलो 30 मिनट और पढ़ते हैं, ऐसे करके इसको बच्चे की तरह खिलाते हुए प्यार से। बच्चे को कितना जल्दी बेवकूफ बनाते हैं हम, बच्चे को हम बहुत बेवकूफ बना देते हैं, चाहिए कुछ और होता है मुद्दा ही कुछ, पूरा मुद्दा ही भटका देते हैं उसका, है ना, कहीं उसको बताने लग जाएंगे देखो देखो वो क्या है, वो भी बेचारा डर जाता है कि अरे क्या आ गया, है कुछ नहीं उधर। ऐसे इसके साथ खेलना है, ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत साधारण चीज़ है हमारे दिमाग, लेकिन रीज़न ये हो गया कि हम लोग अब इन चीज़ों को कभी कोई सिखाता नहीं है इन चीज़ों को हैंडल करना। लोग दुनिया भर की चीज़ें करें, मेडिटेशन करो, योगा करो, अरे योगा करें कैसे ये तो बता दो, हर चीज़ का तरीका है। किसी दिन एक सेशन लूँगा मैं मेडिटेशन के ऊपर, आप लोगों को ध्यान के ऊपर, ध्यान हटाना कैसे लगाना कैसे, और मैं इतना इजी तरीका बताऊंगा ना, अभी आप बैठो बैठे बैठे योगा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो बैठे बैठे, कोई कुछ प्रक्रिया नहीं किए बिना आपका ध्यान हो रहा है, आपको पर्टिकुलर ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान का मतलब विचारों के प्रवाह का रुक जाना, ये ध्यान कहलाता है। दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों तो आप ध्यान की अवस्था में नहीं होते हो, तो दिमाग में एक दिशा में प्रवाहमय करना या विचार शून्य हो जाना, जीरो, एक भी थॉट ना रह जाए,
थॉटलेट स्टेज जो होती है ना आपकी स्टेट होती है, वो आपका ध्यान कहलाता है, मेडिटेशन कहलाता है। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। फिर देखो क्या मज़ा है, जीवन के आनंद को भोगोगे आप। जो चीज़ें कठिन लग रही हैं आसान लगनी चालू हो जाएंगी। जो पढ़ाई बड़ी कठिन चीज़ लग रही है, जो बड़ा दूर सिलेक्शन लग रहा है, सब ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज से पढ़ें कैसे, ये प्रक्रिया को अपने ऊपर फॉलो करना है, लागू करना है। जो मैंने तरीका बताया कि एक बार शुरू करना है तो वापस नहीं लौटेंगे, चाहे जो हो जाए प्रण कर लो। ठीक है, यहीं से मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। अब आपका ज्योग्राफी